सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हथेली की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी कभी हथेली में काले तिल भी बन जाते हैं। हथेली के अलग अलग भागों पर बनने वाले तिल अलग अलग बातों की भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ जानिए हथेली के तिल और उनके फल से जुड़ी बातें। एक, हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति के विचारों की पवित्रता खत्म हो सकती है। दो, जिन लोगों की हथेली में चंद्र पर्वत पर तिल स्थित है उन्हें पानी, नदी, तालाब, कुएं, समुद्र से सावधान रहना चाहिए। इन लोगों के विवाह में भी देर हो सकती है। तीन, यदि गुरु पर्वत पर तिल होता है तो विवाह में परेशानियां आती हैं। किसी भी काम में उचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। चार, शनि पर्वत पर तिल होने से विवाह में विलंब होता है और वैवाहिक जीवन भी संतोषजनक नहीं रहता है। पाँच, सूर्य पर्वत पर तिल है तो ये मान सम्मान के लिए शुभ नहीं होता है। सूर्य पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। छह, यदि किसी व्यक्ति की हथेली के बुध पर्वत पर तिल का निशान बन जाता है तो अचानक कोई नुकसान हो सकता है। बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे स्थित होता है। जब हथेली में ऐसी स्थिति बने तो सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। रेखाओं पर तिल। एक, यदि जीवन रेखा पर तिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इस रेखा पर तिल हो तो गंभीर रोग हो सकता है। दो, हथेली में मस्तिष्क रेखा पर तिल हो तो व्यक्ति को सिर से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीन, हृदय रेखा पर तिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। चार, भाग्य रेखा पर तिल होने पर व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कड़ी मेहनत करना पड़ती है लेकिन आशा के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पाँच, विवाह रेखा पर तिल होने से विवाह में देरी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।